Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 17. So अभी तक हमने तीन अलग अलग data sources से data लाना सीख लिया. CSV files, JSON और SQL. इन तीनों जगहों से data लाना हमें आ गया. आज की video में हम लोग एक अलग सी चीज करने वाले हैं. हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर किसी website के API से हमें data fetch करके एक pandas data frame बनाना है तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू फर्स्ट डिस्कस कि एपीआईज क्या होते हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको ना पता हो एपीआईज क्या होते हैं, तो जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन. एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. और आज की डेट में जहाँ पे हम पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा हर काम कोई ऐप कर रहा है, ट्रस्ट मी एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है उन एप्स को रन करवाने में. ठीक है, सो आई विल क्विकली टेल यू इन अ सिंपल मैनर कि एपीआई क्या होता है. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताओ एपीआई का, एपीआई क्या करते हैं, तो आपको बस इतना बोलना है कि एपीआई एक्चुअली दो सॉफ्टवेयर को आपस में बात कराता है. दो सॉफ्टवेयर को आपस में बात कराता है. ठीक है, और या दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि एपीआई आर नथिंग बट डेटा पाइपलाइंस जो इंफॉर्मेशन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाता है. ठीक है, आई गिव यू सम सिनेरियोस जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा कि एपीआई क्या होते हैं. आई होप आप लोगों में से सभी ने कभी ना कभी फ्लाइट बुकिंग की होगी या आपने रेलवे टिकट्स कटाए होंगे. ठीक है, अब मैं आपको रेलवे रिजर्वेशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे एपीआई बहुत यूज होते हैं. सो रेलवे का रिजर्वेशन कराने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. या तो फिर आप सीधे आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कराओ, या फिर आप मेक माई ट्रिप से कराओ, या फिर आप yatra.com से कराओ, या फिर और कोई ऑप्शन एक्सीवो एंड ऑल से आप करवा सकते हो. राइट, इनमें से आप कहीं से भी किसी भी दिन किसी भी ट्रेन का रिजर्वेशन करवा सकते हो. राइट, अब एक सिनारियो आप नोटिस करो. बाय द वे, ये सारी की सारी अलग कंपनीज है, लाइक दीज आर ऑल डिफरेंट कंपनीज with their own databases, right? But अगर आप ध्यान दो कि मान लो आपके पास आपने एक टिकट कराया 15th अप्रैल का राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा टू दिल्ली, let's say, और आपने उसमें B2 बोगी में 15 नंबर सीट बुक कर ली. अब सोच के देखो, मान लो ये बुकिंग आपने IRCTC से कराई, तो अब कोई और बंदा अगर मेक माई ट्रिप पे जाता है और इसी डेट का इसी ट्रेन में इसी बोगी का ये सीट बुक करने का ट्राई करें. आई नो सीट एग्जैक्टली बुक नहीं करते आप, लेकिन मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये सीट अवेलेबल दिखाई देगा या बुक दिखाई देगा. ऑब्वियसली ये सीट बुक दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि IRCTC से ये सीट का बुकिंग हो चुका है. तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो कि ऑल्दो ये सारी अलग वेबसाइट्स हैं, अलग कंपनीज हैं, अलग अलग डेटाबेस हैं इनके, बट समहाउ they are able to share this information among each other कि भैया ये सीट बुक हो गई, अब इसको हम बुक नहीं कर सकते. राइट, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मेक माई ट्रिप के पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आया? ये डेटा तो IRCTC का है. अब ऐसा तो नहीं है कि IRCTC अपना डेटा बेस शेयर कर देगा मेक माई ट्रिप से, ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है. तो इसका आंसर है कि मेक माई ट्रिप API यूज कर रहा है IRCTC का. मतलब IRCTC ने क्या किया है, अपना डेटाबेस को अपने डेटाबेस के चारों तरफ कुछ कोड लिख दिया है, कुछ फंक्शंस बना दिए हैं. उन फंक्शंस को अगर आप कॉल करते हो विथ करेक्ट इनपुट, जैसे कि एक फंक्शन है चेक करके बताओ कि सीट खाली है कि नहीं, तो आप अगर ट्रेन नंबर बता रहे हो, डेट बता रहे हो, बोगी नंबर बता रहे हो, तो IRCTC का सर्वर आपको पलट करके एक डेटा रिटर्न करेगा जो जेसॉन फॉर्मेट में होता है, जो ये बताएगा कि वो सीट खाली है कि नहीं. सो बेसिकली आप इस डेटाबेस से बात कर सकते हो थ्रू दिस लेयर ऑफ API. राइट, तो दैट इज व्हाई APIs आर सो इंपॉर्टेंट फ्लाइट बुकिंग के केस में. इनफैक्ट आप ये भी देखते होगे कि फेसबुक जैसी कंपनीज जिनका सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, वेबसाइट है, मोबाइल वेबसाइट है, एंड्रॉइड ऐप है, आईफोन ऐप है, वो सब के सब एक सिंगल डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं. राइट, तो वहां पे भी क्या होता है कि फेसबुक का एक सिंगल डेटाबेस है जिसके ऊपर आपने APIs लिख रखे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं. ये एंड्रॉइड है, ये iOS है, ये वेब है, ये सब इस API के थ्रू सेम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पे अगर किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा एंड्रॉइड पे, तो वो iOS पे भी दिखाई देगा क्योंकि iOS भी सेम डेटाबेस से बात कर रहा है यूजिंग द API.
तो APIs, to be honest, अगर आप सॉफ्टवेयर डोमेन में हो तो आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए इसके बारे में, कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, ये दोनों चीजें आपको सीखनी चाहिए इफ यू आर इन कंप्यूटर साइंस डोमेन। बाकी इस वीडियो के लिए आई गेस आपको मैंने सफिशियंट इन्फॉर्मेशन दे दिया। मैं और एक वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। एंड बिसाइड्स दैट आपको थोड़ा और रिसर्च खुद भी करना चाहिए, APIs आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक वेबसाइट है, आई शो यू द वेबसाइट इज TMDB। TMDB बोल के एक वेबसाइट है, इसका नाम है द मूवीज डेटाबेस। ठीक है, इस वेबसाइट पे हमारा मूवीज का डेटा है, राइट, और वो डेटा हमें मिल सकता है इफ वी यूज देयर APIs। ठीक है, तो मैं ये भी दिखा देता हूं आपको, आपको TMDB API अगर आप गूगल करो तो आपको इनका ये वेबसाइट दिखाई देगा, developers.themoviedb.org। यहां पे आपको अलग अलग APIs मिलेंगे, अलग अलग APIs का मतलब अलग अलग चीजें फेच करने के लिए अलग अलग APIs होते हैं। ठीक है, सो जैसे यहां पर एक है मूवीज बोल के सेक्शन, उसमें हमारे पास ये API है, जस्ट वन सेकेंड, गेट टॉप रेटेड, ये एक API है। मैं ट्राइट आउट पे जा रहा हूं और ट्राइट आउट पे यहां पे ये रहा वो URL। अगर मैं इस URL पे हिट करता हूं, अगर मैं इस URL पे हिट करता हूं तो ये वेबसाइट मुझे अपने डेटाबेस में से टॉप रेटेड मूवीज निकाल के दे देगा, राइट। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको एक चीज बतानी है, आपका API की, ये आपको बताना है। ठीक है, अब API की आपको कहां से मिलेगा, आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यहां पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन पे क्लिक करना है, या आपको अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं लॉग इन कर रहा हूं और यहां पे प्रोफाइल्स एंड सेटिंग्स में आई हैव टू गो टू सेटिंग्स और इस जगह पे API का ऑप्शन है और ये गाइज मेरा API की है। तो आप यहाँ पे लॉग इन कर लेना तो आपको आपका API की मिल जाएगा। प्लीज डोंट यूज माई API की, क्योंकि फिर वो कुछ लिमिट होता है कि आप इतने ही API कॉल्स ले सकते हो, तो अगर आप यूज कर लोगे तो फिर मुझे दोबारा से अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। सो प्लीज ट्राई करना अपना खुद का बनाने का। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे API की लिखा हुआ है यहाँ पे मैं अपना API की पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, सी गाइस, जनरली आप जब किसी वेब ब्राउजर में जाके URL टाइप करते हो तो आपको एक वेब पेज मिलता है, बट जब आप किसी API को हिट करते हो ना तो आपको पलट के इस तरह का डेटा मिलता है, इसको JSON बोलते हैं। दिस इज JSON, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ठीक है, अब ये JSON समझ में तो आ नहीं रहा, तो इसको समझने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। ठीक है, उनमें से एक टूल है, अगर आप गूगल करो JSON व्यूअर, तो ये एक वेबसाइट है JSON व्यूअर, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है सारा का सारा डेटा और आप व्यूअर में जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये JSON का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो अगर आपको नहीं पता JSON कैसे दिखता है, तो JSON बिल्कुल पाइथन की डिक्शनरी की तरह होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखो, ये डिक्शनरी हमारा, इसके अंदर चार की वैल्यू पेयर्स है। ठीक है, पहला की वैल्यू पेयर क्या है, पेज, पेज का वैल्यू कितना है, 1। सेकेंड की क्या है, रिजल्ट, और रिजल्ट का जो वैल्यू है वो एक पाइथन का लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर फिर से कई सारे पाइथन के डिक्शनरीज है। जैसे ये पहला डिक्शनरी पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये पहली मूवी है, हम टॉप रेटेड मूवीज निकाल रहे हैं, ये पहली टॉप रेटेड मूवी है और मूवी का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो TMDB में नंबर 1 टॉप रेटेड मूवी इज DDLJ, अच्छा फील होता है जान के। ठीक है, सेकेंड मूवी इज गैब्रियल्स इन्फर्नो पार्ट 2, मेरे को आइडिया नहीं है इस मूवी का, और आठवीं मूवी है वुल्फ वॉकर्स, अगेन मुझे आइडिया नहीं है। और अगर मैं इस JSON में थर्ड पे जाऊं तो यहाँ पे लिखा है टोटल पेजेस 428। तो अभी अगर आप नोटिस करो तो हम पेज नंबर 1 पे हैं, दिस इज पेज नंबर 1, ऐसे कितने पेजेस हैं, 428, और टोटल कितनी टॉप रेटेड मूवीज है, 8551। ठीक है, तो यही है गाइज हमारे पास JSON पूरा जो स्ट्रक्चर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया डेटा सेट बनाना है, मतलब एक नया डेटा फ्रेम बनाना है पैंडास में, जिसमें 8551 मूवीज का डेटा होगा। ठीक है, और डेटा में क्या क्या होगा, मैं किसी एक मूवी का ओपन कर रहा हूँ, हमारे डेटा फ्रेम में कॉलम्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले होगा टाइटल,
टाइटल सबसे पहले होगा आईडी, ये आईडी भी इंपॉर्टेंट है, आईडी होगा, फिर ये टाइटल होगा, फिर ये रिलीज डेट होगा, फिर ये वोट एवरेज होगा, वोट काउंट होगा, और कुछ है क्या खास? पॉपुलैरिटी रख सकते हैं हम लोग। एक काम करता हूँ मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं टाइप करता हूँ। सबसे पहले होगा आईडी, फिर होगा टाइटल, फिर होगा रिलीज डेट, फिर होगा ओवरव्यू, फिर होगा वी कैन ऑल्सो हैव, मतलब कोई भी कॉलम हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पॉपुलैरिटी, मैं बस सेलेक्टिव कॉलम्स ले रहा हूँ, आप चाहो तो कितने मर्जी भी ले सकते हो। पॉपुलैरिटी, वोट अंडरस्कोर एवरेज, और लास्टली अपने पास होगा वोट अंडरस्कोर काउंट। सो मेरे पास जो डेटा फ्रेम बनेगा इस पूरे टास्क को करने के बाद, उसका शेप होगा 8851 मूवीज क्रॉस कितने रोज, कितने कॉलम्स, एक कॉलम, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात। ये गाइज हमारा रिजल्टेंट डेटा फ्रेम होगा, ये हमें करना है। सो हमें अब क्या करना है, पाइथन में कोड लिखना है जिस कोड को यूज करके हम इस एपीआई पे हिट करेंगे, ये डेटा को फेच करेंगे, ठीक है, और फिर उस डेटा में से काम की चीजें निकालेंगे डेटा फ्रेम वाले फॉर्मेट में। और ऐसा काम हम कितनी बार करेंगे, जितने यहाँ पे पेजेस हैं, जितने यहाँ पे अपने पेजेस हैं, कितने पेजेस थे मैं भूल गया, 428। तो हमारा एक लूप चलेगा जो 428 टाइम्स रन करेगा, हर बार एक नया यूआरएल हिट होगा, मूवीज का डेटा आएगा, उसमें से हम चीजें निकालेंगे और हमारे डेटा फ्रेम में अपेंड करते जाएंगे, और इवेंचुअली जब लूप खत्म होगा हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा फ्रेम आ जाएगा जिसमें 8000 मूवीज का डेटा होगा अक्रॉस 7 कॉलम्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आई गेस आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप खुद का एक डेटा सेट क्रिएट कर रहे हो, तो हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। सबसे पहले हमें दो लाइब्रेरीज इम्पोर्ट करनी है। सबसे पहले हमें पैंडास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और हमें एक और लाइब्रेरी चाहिए पड़ेगी रिक्वेस्ट बोल के, जिसको यूज करके हम लोग हमारा HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग पाइथन। ओके जस्ट वन सेकेंड, या सो दोनों आपको बिल्ट इन बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है एनाकोंडा में, तो आपको खुद से करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज यूजिंग द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यू विल कॉल द गेट फंक्शन, और आप ये URL वहां पे पास कर दोगे लाइक दिस, राइट, दिस इज द URL। अब आप जैसे इसको रन करोगे क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स कि पाइथन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज करके एक HTTP रिक्वेस्ट मार रहा है उस API पे, और वो API पलट करके डेटा देगा जो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सो इफ आई रन दिस, देखो रिस्पॉन्स 200 का मतलब होता है HTTP कोड्स होते हैं, तो 200 का मतलब है कि सब कुछ सही से हो गया। 404 का मतलब है कि जिस चीज के लिए आप हिट कर रहे थे वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 500 का मतलब सर्वर डाउन, आई गेस आपको ये सब पता होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वहां से आ रहा है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, लेट्स कॉल इट रिस्पॉन्स, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन कॉल कर रहा हूँ टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट द इनकमिंग डेटा टू जेसॉन फॉर्मेट सी। अब ये एग्जैक्टली वही डेटा है जो हमारे पास वहां पे था, ठीक है, लेकिन सीधे वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये रिजल्ट्स वाले चीज से मतलब है, मैंने आपको दिखाया था, मुझे सिर्फ इस रिजल्ट्स वाली चीज से मतलब है क्योंकि मूवी का सारा डिटेल यहीं पर है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, सिंस दिस इज एक्चुअली अ डिक्शनरी, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर की चाहिए तो मैं बस उसका नाम लिख दूंगा लाइक दिस रिजल्ट्स। और ये देखो गाइस, अब मेरे पास सिर्फ एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर अलग अलग डिक्शनरीज है, ठीक है। अब बस यहां से एक लास्ट स्टेप और उसके बाद सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ये जो लिस्ट है इसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है, और वो करना बहुत इजी है। आपको क्या करना है, सिंपली आई जस्ट कट दिस कोड, यू हैव टू राइट PD डॉट डेटा फ्रेम और उसके अंदर इस लिस्ट को पास कर देना, और आप जैसे इस कोड को रन करोगे यू कैन सी ये रहा आपका कोड, ठीक है, आपका डेटा फ्रेम बन चुका है। इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं आ रहा है, एनीवेज मैं आपको इसका हेड निकाल के दिखाता हूँ, हेड दो ही मूवीज़,
सो आपके जितने भी वहां पे चीजें थी, अडल्ट, बैकड्रॉप पाथ, जॉनर आईडी, आईडी, ओरिजिनल लैंग्वेज, ये सब कुछ मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब बस मुझे जो चीजें चाहिए मैं वो एक्सट्रैक्ट कर लूंगा बाय दिस सिंटेक्स। मुझे आईडी चाहिए था, मुझे मुझे टाइटल चाहिए था, मुझे ओवरव्यू चाहिए था, मुझे और क्या चाहिए था, रिलीज डेट चाहिए था, और मुझे क्या चाहिए था, पॉपुलैरिटी, वोट एवरेज एंड वोट काउंट, पॉपुलैरिटी, वोट एवरेज और वोट काउंट चाहिए, ठीक है। और इसको रन किया एंड यू कैन सी गाइस, अब मैं हेड नहीं कर रहा ये, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। सी, ये रहा गाइस हमारा डेटा फ्रेम। हर पेज में 20 मूवीज है और ये रही मेरी 20 मूवीज, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकता हूँ, डीएफ इज इक्वल टू दिस। और अब अगर मैं नीचे आके डीएफ को प्रिंट करूं या हेड निकाल के दिखाऊं, तो ये रही मेरी टॉप 5 मूवीज और ये रहा उनका सारा डेटा जो भी मुझे चाहिए था, ठीक है। आई गेस आपको ये समझ में आ गया। अब बस मुझे क्या करना है गाइस, कि मुझे ये काम लूप में करना है। और लूप कितनी बार चलेगा, जितने पेजेस है, हर बार लूप के अंदर हम एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे और उसको पुराने डेटा फ्रेम में अपेंड करते जाएंगे, तो हमारे पास एक बड़ा सा डेटा फ्रेम बन जाएगा जब लूप खत्म होगा 8,000 मूवीज का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। सो नाउ गाइस, व्हाट वी विल डू इज विल डू दिस एंटायर प्रोसेस इन द लूप, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ डीएफ, ठीक है। और आपको पता है एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, लाइक दिस, दिस इज माई एम्प्टी डेटा फ्रेम। अगर मैं डीएफ प्रिंट करूं तो कुछ भी नहीं है अभी उसके अंदर। अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन द रेंज ऑफ, एक से स्टार्ट होगा और कितने पेजेस तक जाएगा, देर आर इन टोटल आई गेस 428 पेजेस, सो आई वुड राइट 429 क्योंकि लास्ट वाला इज नॉट इंक्लूडेड। अब हर बार मुझे लूप में सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं आई जस्ट कॉपी दिस पीस ऑफ कोड, कॉपी एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। सो हर बार लूप के अंदर मैं इस यूआरएल पे हिट कर रहा हूं, बट इस यूआरएल में अब मैं page 1 के बदले स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करूंगा, डॉट फॉर्मेट आई, जो भी आई का वैल्यू होगा वही मेरा पेज नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद जब डेटा मेरे पास आ जाएगा, आई कॉपी दिस कोड एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। सो इस बार मैंने डेटा फ्रेम का नाम टेम्प अंडरस्कोर डीएफ रख दिया क्योंकि बाहर वाले नाम से कंफ्यूजन हो सकता है और अंदर का कोड बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो मेरे पास हर बार एक टेम्पररी डेटा फ्रेम आ रहा है जिसमें 20 मूवीज का डिटेल होगा। अब हर बार मुझे क्या करना है कि मुझे बाहर वाला जो मेरा डेटा फ्रेम है डीएफ, उसमें अपेंड करते जाना है अपना ये टेम्प डीएफ को, टेम्प डीएफ, ठीक है। और वापस इसे आई विल जस्ट चेक, एक चीज और गाइस, मैं यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स जो होता है, इग्नोर इंडेक्स, इसको ट्रू कर दूंगा। इससे क्या होगा, सी, जब आप पहली बार लूप चलाओगे तो आपके मूवी का इंडेक्स 1 से 20 रहेगा, दूसरी बार लूप चलाओगे फिर से 1 से 20 रहेगा, तो हमारा इंडेक्सिंग अजीब हो जाएगा, पहले 1 से 20 तक, फिर 1 से 20 तक, फिर 1 से 20 तक। व्हाट आई वांट इज कि 1 से 20 आए, फिर 21 से 40 आए, फिर 41 से 60 आए। तो ये इग्नोर इंडेक्स एग्जैक्टली यही काम करता है, ठीक है। ये अपने इंडेक्सिंग खुद से क्रिएट कर देगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं वापस बड़े वाले डेटा फ्रेम में डाल दूंगा, ठीक है। दैट्स इट गाइस, दिस इज द कोड, बस यही कोड आपको लूप में चला देना है। अब ऑब्वियसली सिंस हम 429 टाइम सर्वर से डेटा ला के पूरे मैनिपुलेशन को कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट रन दिस कोड एंड आई विल पॉज द वीडियो। सो या गाइस, कोड पूरा एग्जीक्यूट हो गया, 2 मिनट लगे एक्चुअली, बहुत ज्यादा नहीं। सो अगर मैं डीएफ को अब रन करूं तो यू कैन सी मेरे पास ये डेटा फ्रेम है जिसमें 8551 रोज हैं, एग्जैक्टली जो आपको यहाँ पे दिखाई दिए थे इस जगह पे टोटल रिजल्ट्स, राइट। सो आई विल ऑल्सो शो यू द शेप, 8551.7 जो हमने इनिशियली प्लान किया था, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आपने एक बार ये कर लिया
तो आप लिख सकते हो df डॉट, आप इस डेटा फ्रेम को csv में कन्वर्ट कर सकते हो बाय राइटिंग दिस कोड. आप लिखोगे df डॉट टू csv और इसको आप मूवीज डॉट csv के नाम से एक्सपोर्ट कर सकते हो और ये आपका इस जगह पे आ जाएगा, सी मूवीज डॉट csv, दिस इज द डेटा. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि इस डेटा को उठा के कैगल पे अपलोड कर सकते हो. आई होप आपको कैगल पता है. कैगल इज अ डेटा साइंस प्लेटफॉर्म जहां पे आप डेटा जाके अपलोड कर सकते हो, सी न्यू डेटा सेट. और कैगल में आप जितना डेटा अपलोड करते हो, कैगल आपको आपके प्रोफाइल को और ज्यादा इज्जत देने लगता है. आप फिर कैगल एक्सपर्ट बन जाते हो. पास्ट में मेरे कई स्टूडेंट्स ने इस तरीके से डेटा सेट्स क्रिएट करके कैगल पे अपलोड किया है और अपने प्रोफाइल को बूस्ट किया है. और ट्रस्ट मी, कैगल के थ्रू उनको बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई. ठीक है, कैगल में आप चार चीजें कर सकते हो जिससे आपका प्रोफाइल बूस्ट होता है. इधर यू कैन प्रोवाइड डेटा सेट्स जैसे हम अभी कर रहे हैं, और यू कैन प्रोवाइड नोटबुक्स, जैसे हम नोटबुक्स बनाते हैं उनको आप अपलोड कर दो. यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस. इन चार फील्ड्स में आप कैगल में आगे बढ़ सकते हो. तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स पास में डेटा सेट्स बना रहे थे और उनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला कैगल कम्युनिटी से. तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो. नाउ यू माइट आस्क कि हम किस चीज़ का डेटा सेट बनाएं. मूवीज का तो मैंने बना दिया, मूवीज का आपको कैगल पे मिल भी जाएगा बहुत सारा डेटा सेट. आप क्या कर सकते हो, आप रैपिड API पे जा सकते हो. ये URL है, इस URL पे आपको भर करके फ्री APIs का लिस्ट मिलेगा, सी अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, सी. और यहाँ पे लाइन से देखो, कोविड का है, फुटबॉल का है, सिटीज का डेटा सेट है, वेदर का डेटा सेट है, रियल्टर आई गेस प्रॉपर्टीज का डेटा सेट है, इंस्टाग्राम का भी शायद API है, Amazon का कुछ API है, वर्ड्स का API है. सो अब कैटेगरीज में जाके एक्सप्लोर करो और उस वेबसाइट पे जाओ और एग्जैक्टली यही प्रोसीजर को वहां पे अप्लाई करके CSV फाइल्स जनरेट करो और कैगल में अपने प्रोफाइल पे अपलोड करो. एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ डेटा सेट एक्सपर्ट ऑन कैगल. ठीक है, और ये बहुत तगड़ी चीज होगी फिर आपके प्रोफाइल के साथ. ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. और अगर आपको पसंद आए ना गाइस, तो फिर साथ में कुछ ट्राई करना. जस्ट वीडियो देखने से आप सीखोगे नहीं, आपको भी कुछ चीजें ट्राई करनी चाहिए. तो प्लीज रैपिड API पे जाके कोई एक अपने पसंद का चीज उठाओ और उसका डेटा सेट क्रिएट करने का ट्राई करो. ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.